तो हेलो गाइस, तो यार कैसे हो आप लोग। तो यार इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को कुछ अमेजिंग माइनक्राफ्ट के हैक। जो यार आप लोग चाहो तो अपने वर्ल्ड के अंदर ट्राई कर सकते हो। और यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये कैसा लगा। तो यार मैं बताने वाला हूँ कि यार मैंने कई दिनों से वीडियोज़ नहीं बनाए थे। यार उसका कारण ये था कि मेरे एग्जाम चल रहे थे। तो यार अब मैं अपलोड करूँगा एक वीडियो वंस अ वीक। तो यार चलते हैं पहले माइनक्राफ्ट के हैक के ऊपर। तो यार ये है एक सीक्रेट रूम। तो यार ये रूम आप लोग चाहो तो अपने बेस के अंदर बना सकते हो। तो यार इसके अंदर क्या होगा कि यार ये जो आपके जब काम आएगा, जब आप लोग किसी मल्टीप्लेयर में खेल रहे होगे एज अ सीक्रेट बेस। तो यार जैसे ही आप लोग ये डोर खोलोगे तो यार यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगी दो चेस्ट, जो यार आपके दोस्त को निराश करने के लिए काफ़ी होगी। जिसके अंदर आप लोग सारा कचरा भर के रखो ताकि आपका दोस्त समझे कि इसके अंदर मैंने सारा कचरा भर के रखा हुआ है। और फिर आप लोग जाओगे इसके अंदर और ठीक ये गेट बंद करते ही यहाँ पर आएगा एक और रूम, जिसके अंदर होगा आपका असली सामान, आपका खजाना। यार ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है अपने दोस्त को ट्रोल करने के लिए कि यार आप लोग डोर इस तरह से लगाओ कि यार किसी को पता ही ना चले कि यार उसके पीछे एक रूम है। यार अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे टिकटॉक हैक की ओर। यार दूसरे टिकटॉक हैक के अंदर बनाने वाला हूँ एक मस्त आलिशान घर का एक बहुत बढ़िया सा बेड। यार इस बेड को बनाने के लिए तो है ना हमें सबसे पहले डिग करना होगा टू ब्लॉक्स नीचे। तो मैं यार जल्द से डिग कर लेता हूँ दो ब्लॉक्स नीचे तक। और अब मुझे यहाँ लगानी होगी दो चेस्ट और फिर इसके ऊपर मुझे लगाना होंगे दो आर्मर स्टैंड उल्टा मूव करके, मतलब यार टिल्ट होके दूसरी साइड में। तो यार मैंने लगा दिए दो आर्मर स्टैंड। तो यार अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ले लेने हैं दो स्केलेटन हेड्स और उन दोनों को लगा देना है उनके मुँह के ऊपर। तो यार मैंने लगा दिया उनके मुँह पर दो स्केलेटन हेड। तो अब मुझे ले लेनी है दो कोर स्टेयर। तो मैं ले लेता हूँ दो कोर स्टेयर। तो जल्दी से आ गई। तो अब मैंने लगा दिए दो क्वेश्चन। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनके ऊपर लगाने हैं दो पिस्टन। तो मैं जल्दी से दो पिस्टन लगा लेता हूँ। तो ये एक और ये दो। उप्स, ये मैंने एक ब्लॉक ऊपर लगा दिए, मैं एक ऊपर फिर से लगा देता हूँ। और ये लग चुके हैं दो पिस्टन। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लगाना है रेस्टोन, उनको कर देना एक्टिवेट। तो अब ये बच चुके हैं मेरे बेड के पिलोस, जो एकदम दिखने में मस्त लग रहे हैं। तो यार अब मैं यहाँ साइड में इसको अच्छे से एक फ्लोरिंग कर देता हूँ। तो यार फ्लोरिंग के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ वाइट स्मूथ ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज, ऑफ कोर्स, क्योंकि यार ये एक वाइट कलर का बेड है तो यार वैसा आलिशान लगना चाहिए इसलिए। और अब मैं लगा देता हूँ यहाँ पर दो बेड्स। और अब इसको साइड में थोड़ा डेकोरेट करने के लिए मैं ले लेता हूँ एंड रॉड्स। तो यार मैं चूज़ कर लेता हूँ एंड रॉड्स और अब लगा देता हूँ साइड में पहले एक एंड रॉड यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर और अब एक और दोनों के ऊपर। और अब लगा देता हूँ स्टेयर्स कुछ इस तरह से, नहीं इस तरह से, हाँ। तो यार ये बन चुका है मेरा मस्त एकदम आलिशान सा बेड, जिसके ऊपर मैं चाहूँ तो सो सकता हूँ, कूद सकता हूँ, खेल सकता हूँ। और यार आप लोग बना सकते हैं ऐसा बेड जस्ट इस वीडियो को लाइक करने के बाद। तो यार अब चलते हैं दूसरे टिकटॉक हैक के ऊपर। तो यार दूसरे टिकटॉक हैक के अंदर बनाने वाला हूँ मैं एक बहुत ही मज़ेदार गेमिंग पीसी इन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। तो यार इसके सबसे पहले आपको बनाना है एक ब्लॉक टिक नीचे और फिर आप लोगों को ले लेने हैं कारपेट और उस कारपेट को लगा देना है उसके ऊपर ताकि उससे थोड़ी हाइट बढ़ जाए। और अब ले लेने हैं दो आर्मर स्टैंड। तो एक्चुअली यार एक और खड्डा खोदने की ज़रूरत है तो मैं साइड में खोद देता हूँ, क्योंकि अब मैं बनाने वाला हूँ थ्री विंडोज़ वाला डेस्कटॉप। और अब मुझे लगा लेने हैं यहाँ पर आर्मर स्टैंड। तो यार आर्मर स्टैंड लग क्यों नहीं रहा है, हाँ लग गया। तो एक कुछ इस तरह से और एक सामने देखते हुए और एक राइट साइड की तरफ देखते हुए लगा देता हूँ मैं आर्मर स्टैंड। तो ये लग गया। और अब क्या करना है, अब मुझे लेना है आयरन हेलमेट और मैं सबको बनाना पहना देता हूँ एक एक आयरन हेलमेट, जो बनेगा मेरे कंप्यूटर का बेस। यार अभी तो एक किसी से कंप्यूटर का बेस नहीं लग रहा है पर जल्दी लगेगा। तो अब मैं लगा देता हूँ ऊपर के साइड एक एक स्मूथ क्वार्ट्ज ब्लॉक और फिर इसके ऊपर मुझे एक और एक्सटेंड करना होगा, क्योंकि यार मुझे लगाने हैं यहाँ पर पिस्टन। तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर पिस्टन। तो यार ये सीधे लग जा, हाँ इस तरह से। तो यार ये लग चुके हैं मेरे पिस्टन। तो अब मुझे कर देना है इनको एक्टिवेट। तो यार ये मैंने कर दिया इनको एक्टिवेट और अब मुझे लगाने पड़ेंगे एक और बार पिस्टन या कोई ब्लॉक। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ कोई सा भी ब्लॉक या पिस्टन। तो मैंने यहाँ लगा दिया पिस्टन।
तो अब इस पिस्टन को कर देता हूँ मैं एक्टिवेट, और ये बच चुका है मेरा एकदम परफेक्ट कंप्यूटर का स्टैंड। तो उससे पहले मैं सब कुछ हटा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ ये देखने में कैसा लग रहा है। तो यार ये देखो, ये देखने में देखो अब लग रहा है ना एकदम कंप्यूटर का जैसा बेस होता है एकदम वैसा। तो अब बनाते हैं हम लोग इसके लिए कीबोर्ड और माउस। तो यार कीबोर्ड के लिए क्या कर देना, पहले एक ब्लॉक नीचे डिक करो, कारपेट लगा लो, और फिर साइड एक साइड में टिल्ट होकर वहाँ पर लगा दो एक आर्मर स्टैंड, और फिर उसी साइड में लगा दो एक पिस्टन, और फिर लगा दो साइड में एक रेस्टोर, ताकि यार ये एक्टिवेट हो जाए और वो आपका जो आर्मर स्टैंड है वो दूसरी तरफ से रख जाए। तो यार अब मुझे जाना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि मुझे यहाँ डालना है एक और। तो यार मैं एक ब्लॉक के ऊपर एक साथ दो नॉर्मली नहीं डाल सकता हूँ, तो मैं जाता हूँ दो ब्लॉक्स ऊपर, और अब यहाँ से मेरे को सिल करना है इस साइड कुछ इस तरह से, और फिर इस साइड एक और ब्लॉक एक्सटेंड करना है, और यहाँ लगा देना एक और आर्मर स्टैंड, और यहाँ फिर से वही चीज़ रिपीट करनी है। इधर एक और पिस्टन चाहिए मुझको, पिस्टन हमेशा गलत चीज़ सेलेक्ट की जाती है। तो यार अब ले लेता हूँ एक रेडस्टोन, और ये हो गया सिलेक्ट। और अब क्या करना है, अब मुझे सारे के सारे ब्लॉक्स तोड़ देने हैं, तो मैं तोड़ देता हूँ सारे के सारे ब्लॉक्स जल्दी से। तो अब चला गया है मेरा आर्मर स्टैंड अंदर, यार ये देख सकते हो ये दोनों आर्मर स्टैंड आ गए हैं। तो अब मुझे लेना है चेन हेलमेट, और दोनों को पहना देना एक एक चेन हेलमेट। तो यार ये दिखेगा एकदम मेरा कीबोर्ड जैसा, देख सकते हो ऊपर से एकदम कीबोर्ड जैसा लग रहा है, छोटे छोटे बटन्स दिख रहे हैं वो। तो अब क्या करना है, हमें इसको करना है कवर। तो कवर करने के लिए मैं यूज़ करने वाला क्वेस्ट स्टेयर्स का। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को ले जाना होगा इसको ऊपर, और पिस्टन की मदद से इसको ले जाना होगा नीचे। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा यहाँ पर एक पिस्टन, और फिर पिस्टन के ऊपर एक क्वार्ट्ज स्टेयर, और फिर कर दूंगा रेडस्टोन को एक्टिवेट, मतलब पिस्टन को एक्टिवेट, और फिर एक और स्टेयर लगाऊंगा यहाँ पर, और फिर से मैं कर दूंगा रेडस्टोन को एक्टिवेट, मतलब पिस्टन को एक्टिवेट। यार फिर से हमेशा गलत निकल जाता है मुझसे। तो यार ये हो गया है मेरा कीबोर्ड तैयार। तो यार अब मुझे क्या करना है, अब मुझे साइड में लगा देनी है दो और स्टेयर। तो मैं लगा देता हूँ एक स्टेयर यहाँ पर और एक स्टेयर यहाँ पर। तो यार ये बन चुका है मेरा एकदम बढ़िया सा टेबल, कंप्यूटर टेबल। तो अब मुझे बनाना है इसकी स्क्रीन। क्या स्क्रीन में मुझे चाहिएगा एक बटन, जिससे मैं माउस बनाऊँगा, पहले मैं वो बना देता हूँ। तो मैंने बना दिया है माउस। तो अब बना लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। क्या मैंने लिया है ब्लैक स्टोन पॉलिश बटन। तो अब बढ़ते हैं स्क्रीन की ओर। तो स्क्रीन के लिए मैं ले लेता हूँ लूमिंग टेबल, और ले लेता हूँ ब्लैक बैनर, और मुझे चाहिएगा वाइट टाई। हाँ वाइट टाई, तो मैं ले लेता हूँ वाइट टाई। तो मैंने ले लिया है वाइट टाई। तो अब क्या करना है, सबसे पहले हमें खोलना है लूमिंग टेबल, और उसके अंदर हमें डालना है ब्लैक बैनर और वाइट टाई, और उसके बाद जो बनता है उसको निकाल लो, उसके बाद उसको वहाँ रख दो, और फिर सेलेक्ट करो जो बीच में लाइन वाला है उसको, और फिर उसको निकाल लो। तो यार ये बन चुका है हमारा लगभग कंप्यूटर स्क्रीन। तो अब इसको लगाने से पहले हमें लेना होगा शटर बॉक्स। तो मैं ले लेता हूँ शटर बॉक्स जल्दी से। तो शटर बॉक्स मिलेगा यहाँ पर, और कहाँ है ये रहा, मिल गया। तो मैं लेने वाला हूँ वाइट कलर का शटर बॉक्स, आप लोग चाहो तो अपनी मर्ज़ी का कलर ले सकते हो। तो अब मैं लगा देता हूँ इसके ऊपर वाइट कलर का शटर बॉक्स कुछ इस तरीके से, और फिर अब मुझे लगानी होगी कंप्यूटर स्क्रीन। तो या कंप्यूटर स्क्रीन लगा दो, आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, या आप लोगों को उसको आर्मर के ऊपर नहीं क्लिक करना है, आप लोगों को क्लिक करना है साइड में जो ब्लॉक के अंदर खाली जगह है उधर, तो ये आपका ये लग पाएगा, वरना आपको पूरा स्टार्टिंग से बनाना पड़ेगा। तो यार ये मैंने लगा दिया स्क्रीन। तो यार थोड़ी सीक नहीं लगी, तो मैं इसको फिर से लगा देता हूँ। तो यार ये मैंने लगा दी है फिर से एक और बार स्क्रीन, और ये बन रहा है एकदम परफेक्ट कंप्यूटर। तो अब मैं बना लेता हूँ कंप्यूटर टेबल। तो यार सबसे पहले मैंने एक और टिकटॉक हैक में देखी थी कि यार कि एक और टिकटॉक हैक की वीडियो में देखी थी कि यार उन्होंने टेबल बनाई, तो सबसे मैंने वैसे टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे से वो टेबल नहीं बनी तो यार मैं अपनी किसी पीटी टेबल ही बनाने वाला हूँ। तो यार चलो बनाने के लिए मैंने सारा सामान ले लिया है, और अब सबसे पहले इस तरह से मुझे एक ब्लॉक खोदना होगा या दो ब्लॉक्स। तो दो ब्लॉक्स में ट्राई करके देखता हूँ, या एक और एक ब्लॉक में ही। यार एक ब्लॉक में डाला और मैंने लगाया एक आर्मर स्टैंड। यार ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर है,
तो अब इसको एक ब्लॉक नीचे टिक करता हूँ, शायद तक से नहीं यार ये थोड़ा ऊपर लग रहा है, तो मैं करने वाला हूँ एक ब्लॉक नीचे टिक। और अब लगा के देखता हूँ एक चेस्ट, और अब इसके ऊपर लगा के देखता हूँ एक आर्मस्टन। तो यार ये भी बहुत ऊपर लग रहा है, तो यार ये हिसाब से मेरे से नहीं बैठने वाला, तो एक बार लास्ट ट्राई मार कर देख लेता हूँ मैं। यहाँ पर लगाया एक चेस्ट, और इसके ऊपर लगा के देखता हूँ एक कारपेट, और फिर इसके ऊपर लगा के देखता हूँ एक आर्म स्टैंड। तो यार ये भी नहीं बैठ रहा है यार, एकदम बकवास आइडिया था ये। किसका आइडिया था? ये मेरा ही आइडिया था, इसलिए बकवास है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ बना देता हूँ एक सिंपल सी कुर्सी जो बनती है स्टेयर से। तो मैं ले लेता हूँ आइटम फ्रेम और एक क्वार्ट्ज स्टेयर। तो फिर ले लेते हैं क्वार्ट्ज स्टेयर। तो क्वार्ट्ज स्टेयर कहाँ पर है? ये रही और मैंने ले ली। और अब ले लेते हैं आइटम फ्रेम। तो कहाँ है? मैंने ले लिया है आइटम फ्रेम। तो यार अब हमें क्या करना है? अब हमें लग देने हैं आराम से यहाँ पर एक स्टेयर, और साइड में लगा देने हैं दो आइटम फ्रेम कुछ इस तरीके से, यार वो थोड़ा बहुत चेयर जैसा लगे। और ये बन गया है हमारा पीसी विद चेयर, यार देखने में एकदम अमेजिंग लग रहा है। इस पर आप लोग बैठ के अपने वर्ड के अंदर गेमिंग कर सकते हो। तो यार अब चलते हैं मेरे लास्ट और फाइनल टिकटॉक हैक की ओर, यानी कि यार टिकटॉक हैक नंबर 4। यार इसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक इनविजिबल डोर। मतलब यार वो डोर आप लोगों को दिखेगा ही नहीं, पर यार वो होगा एक डोर। यार उसको बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिएगी, तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको यहीं पे बनाऊंगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर कर लेता हूँ एक डोर डिग, जहाँ मुझे बनाना है डोर वहाँ पर एक ब्लॉक डिग करके। और फिर यहाँ जाकर मैं ले लेता हूँ एक फेंस डोर और एक लीवर और कारपेट। तो मैं ले लिया है लीवर और कारपेट। तो अब मुझे जैसे लगाना है फेंस डोर, और फिर इसके ऊपर लगा लेना है एक कारपेट। कारपेट कहाँ है? ये रहा, लगा दिया कारपेट। तो यार कारपेट लगते ही ये तैयार हो चुका है मेरा इनविजिबल डोर, जिसके अंदर मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं जा सकता है। यार अब आप लोग सोचोगे कि यार यहाँ कोई जा क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि यार ये सब कुछ फेंस गेट का कमाल है। जब तक फेंस गेट बन जाएगा जब तक यहाँ कोई भी नहीं आ सकता, जब तक फेंस गेट डेट जैसे ही मैं खोल दूंगा तो यार कोई भी जा सकता है। तो उसके अंदर जाने के लिए हमें चाहिएगा एक लीवर। तो मैं ले लेता हूँ जल्दी से एक लीवर, और उस लीवर को लगा देता हूँ यहाँ पर, और इसको दबा के अब मैं जा सकता हूँ अंदर। और अब उस लीवर को हटा कर अब ये गेट हो चुका है बंद, अब यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। तो यार ये भी बहुत अमेजिंग चीज़ है। और अब चलना होगा मुझे बाहर, तो मेरे को फिर से लीवर लगा के ये मैं जा सकता हूँ बाहर। यार इस तरीके से भी आप अपने दोस्तों को ट्रोल कर सकते हो माइनक्राफ्ट के अंदर, जो है बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। मुझे तो ये हैक बहुत पसंद आया, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हैक्स है माइनक्राफ्ट के अंदर। तो यार इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करो मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, और यार कमेंट में बताओ कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और यार अगर आप लोग चाहते हो ऐसी